नारायण के साथ लक्ष्मी की कथा नहीं है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है। तो नारायण को सत्य नारायण है ना, लक्ष्मी भी सत्य है ना, लक्ष्मी है ना, सत्य एक होता है या सत्य दो होते हैं? एक होता है। जब सत्य एक होता है तो आत्माएं जिनमें सत्य के संस्कार भरे हुए होंगे वो 100% सत्य एक ही आत्मा होगी या अनेक होंगी? तो बस खत्म हो गई बात। लक्ष्मी अगर सत्य है तो जो सत्य है नास तो विद्यते भावो, क्या कहा गीता में, जो सत्य है उसका अभाव कभी नहीं होता। अगर लक्ष्मी सत्य है तो सत्य को ही मानेगी, सत्य के अंदर में रहेगी या झूठों के अंदर में रहेगी? तो लक्ष्मी सदैव सत्य के अंदर में रहती है? रहती है नहीं रहती है?